हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साल 2020 में कोरोना त्रासदी ने पूरी दुनिया के लोगों का जीवन ही बदल दिया है। वहीं आने वाले साल 2021 में दुनिया पीक फ्लू वायरस से परेशान रह सकती है। भले ही ये कोरोना जितना घातक वायरस नहीं होगा, ये भविष्यवाणी मनोवैज्ञानिक निकोलस ओजुला ने की है। ओजुला के मुताबिक कोरोना महामारी का असर 2022 तक रहने वाला है। अगले साल के मध्य से कोरोना का प्रकोप कम होना शुरू होगा। आपको बता दें कि साउथ लंदन में रहने वाले मनोवैज्ञानिक निकोलस ओजुला ने 2018 में ही कोरोना महामारी की भविष्यवाणी कर दी थी। 35 वर्षीय निकोलस ओजुला ने अक्टूबर में ही अमेरिकी प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत और डोनाल्ड ट्रंप की हार की भविष्यवाणी की थी। नए साल 2021 के लिए ओजुला ने कुछ भविष्यवाणियां की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीक फ्लू वायरस पूरी दुनिया को परेशान करेगा, हालांकि यह कोरोना की तरह खतरनाक नहीं होगा। साथ ही ओजुला ने एक बड़े नेता की हत्या होने की बात भी कही है, हालांकि नेता का नाम उन्होंने नहीं बताया है। 2021 में एक ज्वालामुखी विस्फोट और प्रमुख मौसम में परिवर्तन की भविष्यवाणी के साथ एक बड़े सेक्स स्कैंडल की भविष्यवाणी उन्होंने की है, जो विश्व शिखर सम्मेलन को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि पीक फ्लू की शुरुआत चीन में हुई थी, जिसे G4EAH1N1 का नाम मिला था। दुनिया भर में होने वाले ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बारे में ओजुला ने गर्मियों में ही भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था कि ये 2021 में भी जारी रहेगा। ओजुला ने नताली पोर्टमैन और किम कार्डशियन के दिल टूटने की भविष्यवाणी भी की है और कहा है कि टॉम क्रूज अगले वर्ष दिल की समस्या से जूझ सकते हैं। ओजुला ने ट्रंप की हार के साथ ये भी कहा था कि वे चुपचाप अपने पद से नहीं हटेंगे। ओजुला अपने पूर्व जन्मों को भी देख पाते हैं और उन्हें अपने अंदर इस पावर का एहसास उस वक्त हुआ जब वे मात्र 17 साल के थे। ओजुला पूर्व जन्मों में अपने को इजिप्शियन क्वीन, नेट, शेर और हिरण के रूप में देख चुके हैं। निकोलस ने अपने 15 साल हाइपोनोथेरेपी के प्रैक्टिस में बिताए हैं। निकोलस ने कोरोना महामारी की भविष्यवाणी की थी और एक ऐतिहासिक चर्च के आग में जलने की भी बात कही थी। पेरिस के प्राचीन नोटरडम चर्च में जब आग लगी तो निकोलस की भविष्यवाणी सच साबित हुई। निकोलस ने चीन और क्यूबा में भूकंप की भी भविष्यवाणियां की हैं, जो सच साबित हुई। ओजुला निकोलस को भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का आभास सपनों में हो जाता है। ऐसे ही एक सपने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि पेरिस हिल्टन माँ बनने वाली है। साथ ही लिंडसे लोहानी के स्कैंडल में फंसने की भविष्यवाणी भी उन्होंने ही की थी। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।